ये भी आप देखते होंगे, नदी को पार करने के लिए इधर खेत भी है और ये भी। फिलहाल इधर देखिए सूखा पड़ा हुआ है। ये आज का टाइम क्या है, 8 बज रहा है और अभी फ़िलहाल आए हैं घूमने के लिए। तो मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ दिखा दूं। ये देखिए ये पूरा जो है ना, ये बालू का पेड़, तो बालू ही बालू है लेकिन ये देखिए ये पूरा, अगर आपको नज़र आता होगा ये देखिए, इधर बालू नज़र आता होगा, इधर भी बालू है और ये देखिए ये पूरा बालू कटा हुआ है, बालू तो भी बहुत सारा है। ये देखिए ये इलाका कुछ नजर रहता होगा, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा कटा है और इधर देखिए आपको नज़र आता होगा सूखा हुआ बालू। अभी धूप है तो फिलहाल आपको नज़र आता होगा, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कटा नदी के ओर, नदी के बीचों बीच बहुत सारे हैं जो कि इधर भी है बालू है। और देखिए हो अगर ऐसा हुआ, ये देखिए इतना बालू है ना, कुछ लोग हैं अभी फिलहाल, तो कुछ समय में ऐसा हुआ कि ये बालू भी दिखने के लिए आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये रहेगा ही नहीं। ये जगह ऐसा था कि कहने के लिए क्या कहूँ, ये यज्ञ होता था यहाँ पे, और रात के समय में आपको नज़र आता हो कुछ नहीं है। तो समस्या इस चीज़ की है ना, बालू की ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है और इससे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि जिनसे वो बहुत सारे बालू उठा बालू के लिए कुछ भी करने लगते हैं। देखिए हाँ इधर भी, लेकिन हर जगह का रुतबा अलग होता है। इसे हम बालू आपको दिखा रहे हैं लेकिन नज़ारा ये किसी दिन नहीं भी हो सकता है ना। ये देखा देखो इधर भी है, ये जगह हो सकता है किसी दिन आपको नज़र ही नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि ये जगह आपको दिखा दूँ। ये सरपत इसको बोला जाता है, ये देखिए। और इधर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इधर देखिए ये पेड़, ठीक है।